इकराम चौधरी बिलाल साहब हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने चिकन को सीखों पे लगाना ही लगाना है, मगर इनके साथ जान फिशानी के साथ चौधरी इशफाक अहमद साहब सलाद काट रहे हैं नाजरीन, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इशफाक साहब आप ऊपर देखना पसंद करेंगे? आपकी बहुत मेहरबानी। आप इस वक्त अजीम मुंडी की खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं। आप जो सलाद काट रहे हैं वो सलाद हमें बहुत चास आएगी। नाजरीन कराम, ये इन्होंने बाज नहीं आए हैं और इन्होंने एक अदद चिकन सीखों पे ठोक दिया है। इन्होंने बाज नहीं आ, और ये लड़का भी बाज नहीं आ रहा है। ये भी लोगों को बता रहा है यूं करें वो करें। नाजरीन या पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, और अगर आप उधर तवज्जो करें तो इतने काले बादल हैं जो कि आ रहे हैं। नाजरीन आप तवज्जो फरमाएं, इतने काले बादल आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मैं तो अपने लिए ये वाला टेंट लेकर आया हूँ, इसमें घुस के मैंने टेंट बंद कर लेना है और ये फिर बाहर भीगते रहेंगे, चस आएगी। नाजरीन कराम, हम आपको मज़ीद चसनाक ख़बरें भेजते रहेंगे। अभी आप ये देखें, चौधरी बिलाल साहब इस वक्त नमक लगा रहे हैं, अपनी तरफ से ये शनवारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें ये बन पाते के लिए बात। लेकिन ये जो चौधरी इशफाक साहब का जो सुगड़ापा है वो देखने के लायक है, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। नाजरीन कराम, बहुत उम्दा। ये नाजरीन, ये इन्होंने नमक लगा दिया है नाजरीन। अब इसके ऊपर ये नमक को छिड़क रहे हैं, नमक को बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, और नाजरीन ये बाज नहीं आ रहे हैं, और ये अब जा रहे हैं आग की तरफ, और नाजरीन उन्होंने आग पर रख दिया है चिकन को। बिल्कुल बाज नहीं आए हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनी है इन्होंने। नाजरीन अब ये क्या करेंगे जबकि ऐसी बारिश आ रही है। नाजरीन तवज्जो फरमाएं, बारिश आ रही है, और ये है हमारा चिकन जिसको कि हम पके बगैर ही यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, ताकि रात को चीते भेड़िए वगैरह वगैरह खा के मज़े कर सके। अल्लाह हाफिज़ नाजरीन, हम आपको मुंडी की खूबसूरत फिजाओं से, वादियों से खुदा हाफिज़ कहते हैं।